अस्सलामुअलैकुम कराची पॉइंट चैनल और मिर्जा दानबेग की तरफ से वाम वेलकम। मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और जो मेरा आज का जो इंटरव्यू है वो है टीवी के ओल्ड मशहूर एक्टर मसूद ज़िया। और ये बिलीव भी मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड हूँ और मैंने इनसे काफ़ी टाइम मिलने की कोशिश की, मिलाकर वो उन्होंने आज मुझे टाइम दे दिया और उनको मैंने आज पकड़ लिया इंटरव्यू के लिए। तारीखी किरदार अदा किए इन्होंने और बहुत अपने वक्त में जो है फेमस रोल अदा किए, बहुत जानदार एक्टिंग की। रोल कैसा भी हो हर रोल के साथ उन्होंने इंसाफ किया। देख जो है आजकल क्या है, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन की तरफ आ गए और एकदम उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एकदम उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को खुद छोड़ दिया। तो उनसे उनके बारे में ज़िंदगी के हालात मालूम करते हैं और तो लेट्स वॉच माय इंटरव्यू। उम्मीद है कि आपको ये जो इंटरव्यू पसंद आएगा। सर मेरा पहला सवाल ये है कि शोबीज में आने का ख्याल कब और कैसे आया? स्कूल टाइम से मैं नाटक वगैरह में पढ़ते थे, हमारे मुकाबले होते थे स्कूल में, फिर उसके बाद थिएटर में रोड स्ट्रीट पे छोटे छोटे प्रोग्राम किए, फिर उसके बाद थिएटर करना शुरू किया, फिर टीवी के अंदर जो किया छोटे छोटे रोल, फिर बड़े रोल किए, ये स्ट्रगल है। अच्छा सबसे पहला ड्रामा मतलब कौन सा था, क्या क्या रोल था उसमें? तारीखी प्ले था शाहीन, जिसमें सोल्जर के रोल थे। मेरे व्यूज जानना चाहेंगे कि अचानक लोग ख्वाब देखते हैं कि या किसी तरीके से ड्रामों में आ जाए, कमर्शियल में आ जाए, किसी तरीके से इन हो जाए, जगह जगह लोग टिकटॉक बंद, टिकटॉक पर भी वीडियो अपलोड कर रहे, स्नैप वीडियो आ गया, यूट्यूबर बन रहे हैं, कई यूट्यूबर जो है वो बंदी लोग छोड़ दिया। आपने अपने मैं तो समझूंगा पिक या उरूज कह रहे हैं, हीरो आना जरूरी नहीं, करेक्टर रोल अदा किए हैं, इतने जानदार रोल, गाजिन दिन शहीद का रोल अदा किया, तारीखी रोल है और भी मुझे याद पड़ता है और भी रोल अदा किए हैं, तो इतने मतलब उस पर जाके आपने अचानक इस शोबिस को खैरबाद कर दिया, इसकी वजह वाई? खैरबाद लेके इंशाल्लाह दोबारा एंट्री मेरी होने वाली है इंशाल्लाह। घर बाद में मतलब कुछ घर की मसूरियात उसके अंदर आदमी बीबी होता है तो जाहिर बात है थोड़ा हुआ। अपना कोई फेवरेट रोल बताएं जो आपने अब तक अदा किया? मेरा सबसे अच्छा जो रोल था वो था गाजी अब्दुल कदीर स्टोरी, जिसमें मैंने टाइटल रोल किया। अच्छा ये इस ड्रामे का नाम और ये किस सन में कुछ याद? यार ये सन तो सर मुझे याद नहीं है, आप बिल्कुल जैन तो नहीं, मतलब इसको हो गया तकरीबन 10 साल के जैन है। अम्मा मैं अभी देख कर आया। इसका ख्याल क्या कर बेटे, एक ही घोड़ा है हमारे पास। नहीं अम्मा, जो हमारा ख्याल रखता है वही उसका भी ख्याल रखता है। अदालत इस मुकदमे की पूरी कार्रवाई के दौरान इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम नथुराम ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम लिखकर कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि उसने अपनी इस हक को इस्तेमाल किया है कि हमारी सरकार ने तहरीर और तकरीर की पूरी आज़ादी हासिल है, इसने जो कुछ इसमें लिखा वो इसका अपना नुकता नज़र है, इसलिए हम इसकी जमानत मंजूर करते हुए इसकी रहाई का हुक्म देता है। बधाई हो नथुराम जी, बधाई हो। क्यों मार दिया?
ये तस्वीर तुम्हारे बादशाह की है, क्या तुम अपने बादशाह की तोहिन करने वाले को मौत के घाट नहीं उतार दोगे? इस हिंदू ने मेरे आका और शहंशाह की जान में गुस्ताखी की थी, जिसे मेरी गरज गवारा ना कर सकी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सर मैं जानना चाहूंगा कि आपके अपने फेवरेट जो हैं एक्टर एक्ट्रेस कौन है और उनके किरदार जिनसे आप मुतासिर हुए वो कौन से? जिनसे मैं मुतासिर हुआ मेरे लिए डॉक्टर नासिर ग्रेट एक्टर तलत हुसैन हो गया। अपने अदाकारों में जो कदम सबसे पहले जाए थे वो थे हुमा नवाब। और मेरे ख्याल में हुमा नवाब के साथ आपके कई ड्रामे हुए, ड्रामे भी किए अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी ड्रामे भी किए। मसूद सर फिल्मों में है शौक अदाकारी करने का या मतलब किरदार अदा करने का या सिर्फ ड्रामों के तक ही आपको शौक रहा? नहीं, फिल्में मैंने की नजरुल इस्लाम के साथ एज असिस्टेंट परफॉर्म भी किया है। सर जानना चाहूँगा क्या रोल था और क्या नाम था? उसमें था मैं गैंगस्टर, मतलब उसके अंदर ले के जा रहा हूँ सामान वगैरह और ये किडनेपिंग वगैरह। फिल्म का नाम ख्वाहिश थी। ख्वाहिश, इसकी कोई और मतलब मशहूर को खास और किस साल? उसमें इसको भी तकरीबन कितने साल हो गया, 10-12 साल। ये मोइनुर्रहमान उसमें मेन हीरो थे, समीदा पीर ज़्यादा थी इसमें, काफ़ी लोग थे, एक्स्ट्रा वगैरह एम वारसी थे इसमें। अच्छा सर ये कि मैं जैसे फिल्मों में जैसे होता है एक निगेटिव रोल होता है विलन का, विलन जो होता है मखूस, तो मैं थोड़ा सा सवाल जो ज़्यादा हीरो हीरोइन के बारे में पूछते हैं, मैं विलन के बारे में पूछूंगा कि नेगेटिव रोल में आपको किसकी जैसे विलन का किरदार कोई ऐसा यादगार जो आपने बोले या ऐसे इंसाफ किया किरदार के साथ फिल्मों में ड्रामों में? एक तो गुलाब शर्मा, एक एक्टर जो जो न्यू कमर्स जो है इंडस्ट्री में आने वाले नौ वाले जो हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे, उनके लिए कोई राय? सबसे बेहतरीन तरीका तो ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पहले जाके सीखे, उसके बाद वो कुदरती तौर पे लोग बुलाने के लिए आ जाते हैं जब एक्टिंग देखते हैं। आपका इशारा नापा की तरफ? ना, नापा। सर मुस्तकबिल में डायरेक्शन की तरफ आने का है ज्यादा? डायरेक्शन सीरियल को अपने मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं एक्टिंग को, डायरेक्शन तो हर बंदा कर सकते हैं, जो एक्टर है वो डायरेक्शन कर सकता है। अच्छा, लेकिन बात होगा जैसे मैंने देखा रुबीना अशरफ ने ड्रामा बनाता रहने दो, तो जब उसका जब कहते ना कि एक वो उसको क्या कहते हैं ड्रामा कंप्लीट होने के बाद एक उन्हें एक मतलब वो क्या कहते हैं उसको हाँ कॉन्फ्रेंस या एक तरीके से वो एक और एपिसोड बनाया था, तो उसमें रुबीना अशरफ ने कान पकड़ के हाथ जोड़ दी थी कि भाई मैं तो डायरेक्शन ही कहूँगा, मैं बहुत मुश्किल काम है। भी मुश्किल इसलिए है कि वो खुद ही अकेली सरवाइव कर रही थी ना, अख्तर साहब भी थे, तारिक मिर्जा साहब भी लाए बातें, वो भी सपोर्टर थे उनके, डेफिनेटली। रुबीना अशरफ ने वो किया था निजात सीरियल किया था, तो वो भी उसमें थी, वो नहीं नूरुल हुदा शाह का एक सीरियल था तपिश, एक उनका बहुत सारा काज पसे आईना वो हारून रशीद। बिल्कुल सर ये पीटीवी जो है एक ज़माने में 80-70 बल्कि मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल में 60 की दहाई में शायद बन गया था ये पीटीवी, उस टाइम पर पूरा नहीं था 60 की ये तो है, लेकिन ये एक एकेडमी मतलब ये एकदम धूप किनारे जैसे सहरा काजमी होगी, फातिमा सुरी बजे एक अच्छी राइटर थी, हसीना मोइन थी, अमर मकसूद तो अभी भी हैं, लेकिन ये जब वो पीटीवी पे फादिक ग्रुप हो गया, मतलब इन लोगों को नज़रअंदाज किया, आज भी मुकाबले वो चल रहा होता बहुत कामयाब होती उनसे ज़्यादा। कासिम जलाली एज ए प्रोड्यूसर, उसके बाद प्रोग्राम मैनेजर, काफ़ी सीरियल किए उन्होंने आपने चटान पर, तारीख ही प्ले की, जब रिटायर हो गए जाहिर बात है कि उन्होंने फिर गवर्नमेंट चाहेगी बुलाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बुलाएगी, सेमी गवर्नमेंट इदारा है हमारा पाकिस्तान टेलीविजन जो। फिर ज़हीर खान हो गए, सायरा काजमी हो गई, काफ़ी सीरियल है ज़हीर खान ने भी, सायरा काजमी ने भी बहुत किया। अच्छा ये मेहरीन जब्बार का आपसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहा अमेर खान में, जो मैंने नाजा अजीम गया जो मैं शायद गलत नहीं हूँ, तो आपकी मेंटली केमिस्ट्री भी उनसे जैसे मैच करी मिली, तो वो अचानक इतना अच्छा काम मेहरीन जब्बार का, और फिर वो अचानक मतलब वो भी नहीं आ रही ज़्यादा अमेर खान में, वो शायद सुना था वो यूएसए शिफ्ट हो गई, क्या है उनका है कोई? नहीं, मेहरीन वहीं पर अपने ड्रामे बना रहे हैं, कभी आती है पाकिस्तान तो फिर मुलाकात हो जाती है,
फिर अजरा बाबर ने सबसे ज्यादा महरी जब्बार के लिए ड्रामे लिखे हैं, अजरा बाबर जो, वो भी अमेरिका में सिंगर है। सर ये मैं, ये जो है एज अ सीनियर आर्टिस्ट, आप जैसे मैं देख सीनियर आर्टिस्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ होते हैं, वो भले जैसे आपने बताया कि जहीर खान, अजरा बाबर, वो तो चले एब्रॉड में शिफ्ट हो गए, लेकिन जहीर खान हो गए, कासिम जलाली, तो इनको जैसे आपने कहा था कि मैं गेट टुगेदर करूँ अपनी, कुछ जैसा बनाऊँ, कुछ जैसा पहले जैसा कोई अच्छा, कोई ऐसी कोई देख बन जाए, कोई अच्छी सी मतलब महफिल लगे, जैसे जब लोग होते थे कराची के ड्रामे चलते, अभी भी अच्छे बन रहे प्राइवेट प्रोडक्शन में, लेकिन एक होता ना खासा जिसे का मुझे तो सर नहीं पता है, बाकी वो जो बड़े डायरेक्टर्स हैं उनको ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि अभी वो रिटायर हो गए, जाहिर है मतलब कोई बाहर सेटल हो गया। आप अपनी कोई कोशिश जैसे इस तरह को मशवरा देने की? नहीं, मैं उनको, मेरे उस्ताद हैं सारे, मैं उनको मशवरा नहीं दे सकते, बल्कि वो मुझे मशवरा देंगे। जो आजकल के ड्रामे हैं जो बन रहे हैं उसमें ज्यादातर जो है ये देखा जा रहा है के मतलब ज़्यादातर रोमांस लव, यानी कि अगर कोई एक हीरोइन होती दो तीन हीरो हैं, या एक हीरो तो दो तीन हीरो ने हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। तो नए बनने वाले ड्रामों के लिए जो है आप क्या समझते हैं कि क्या कैसे बन रहे हैं, दूसरे से आप उनको क्या सजेस्ट करना पसंद करेंगे जो ड्रामे बना रहे हैं? मैं उनको कोई भी सजेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने बेहतर समझ सकते हैं कि वो कैसे ड्रामे बना। अच्छा, न्यू सर, न्यू कमर, न्यू एक्ट्रेस जिसे आपने जो एक जो किरदार बताए, जो आपने ड्रामे बताए, वो तो चले मतलब अपने पीटी की तो एकेडमी है, लेकिन अभी जो प्राइवेट चैनल पे आ रहे हैं तो उनमें कुछ अदाकार या अदाकारा जो अच्छे मतलब इंसाफ कर रहे हैं एक्टिंग के साथ, या कुछ ऐसे ड्रामे जो आपको पसंद है आए? हिमायूं सहित के एक सीरियल आ रहा था, वो ज़्यादा बेहतर था, जहर पकड़ी बोल ऐसे ही नाम। ये तो सारे अदाकारी से मुतालिक सवाल आते हैं मेरे, जितने भी अदाकारी हिदायतकारी जो भी था, सिंगिंग की तरफ है नहीं इतना शौक नहीं मारा, कभी कभी आदमी कर ही लेता है। शुरू के जमाने में कभी थिएटर वेटर पर गाया कोई सिंगिंग? नहीं इतना भी गाया नहीं गाया। कोई फेवरेट सिंगर कुछ गाना कोई याद? मुझे तो वो अपना जुनेद जमशेद ज्यादा मुझे पसंद था। दिल दिल पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा फेवरेट तो कोई सिंग नेशनल सॉन्ग वो तो नेशनल एंथम के बाद उसके एंथम के मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी दिया। अच्छा, आलमगीर साहब पसंद है आपको, इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं। आलमगीर साहब, आलमगीर ने भी बहुत अच्छे गाने किए, बहुत के तहसीन से सज्जाद अली, तहसीन जावेद, शेखी साहब जी, शेखी साहब माशाल्लाह। नए जो ड्रामे बन रहे हैं उसमें जो हीरो हीरोइन काम कर रहे हैं, घर से बात है, आपने जो नाम बताया वो तो मतलब एकेडमी का दर्जा रखते हैं, पीटी की खुद एक एकेडमी, तो लेकिन कुछ किरदार जैसे कुछ अदाकार अदाकारा ऐसी भी जो इंसाफ मतलब आपको लगता है कि कर रहे हैं, या कुछ ऐसे ड्रामे नए उसमें चैनल प्राइवेट जो टीवी चैनल है उस पर, तो कोई अदाकार या उसका कोई रोल या कोई ऐसा ड्रामा जो आपको पसंद हो? हिमायूं से इतनी ज़्यादा बेहतर है उनका कोई ड्रामा? मेरे पास तो नहीं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब पिछले साल तक कहते हैं एक दो साल में बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। सबसे पहला ड्रामा जो हिमायूं सईद ने किया था वो जहर किया था, जहर यासिर अख्तर, यासिर सिंगर भी है। फिर उसके बाद एक ड्रामा किया था महरीन जब्बार का, अब तुम जा सकते हो, के साथ भी काफी काम किया, हैदर इमाम रिजवी के साथ भी किया, मरहूम अली रिजवी साहब के साथ भी किया, सायरा काज़मी के साथ भी काफी असिस्ट किया है मैंने, तकरीबन जितने टीवी के डायरेक्टर है उनको असिस्ट किया मैंने, फिर उसके बाद रोल भी करता रहा। उसमें एक सबसे बड़ा हाथ जो है जो समय जो साहब का भी है मरहूम फैज बोगियों का है, जिन्होंने गाजी अब्दुल कयूम से, फिर मैंने के इब्राहिम की तलाश किया, कमल सीरियल किया, जीनत सीरियल किया, बे इंतहा सीरियल किए मैंने, मतलब लॉन्ग प्लेस भी मैंने आपके देखी, यासिर अख्तर के साथ वो किया था मतलब 45 यासिर नवाज के साथ बस के अंदर, जी 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 जी
हाँ 45 वो मेहरीन जब्बार का था, वो भी बड़ा वो करती थी, रेकग्नाइज करती थी। सबसे आखिरी क्वेश्चन जो फख्र अली खान ने जो इस मतलब मैं कहता हूँ पूरे इसका जो इसका सेंट्रल आइडिया ये है, मैं तो निचोड़ जिसे कह लें कि कोई ऐसा किरदार जो अब तक नहीं करा या पढ़ने की ख्वाहिश हो कोई ऐसा किरदार। मैंने तकरीबन सारे किरदार कर रही हूँ, ताजे सरा तक भी बन चुकी। अच्छा तो किस कौन से ड्रामे में? मैंने किया था घर एक नगर और कमल एक सीरियल। अच्छा वो था हमारे तस्वीर में। यानी कि आपने नेगेटिव रोल भी करे, पॉजिटिव भी किए, लीडिंग भी किए, बदल गया माशाल्लाह। मेरी हर वीडियो में व्यूअर्स के लिए दोनों को मैसेज होता है जो मैं कन्वे करता हूँ, तो आज की मेरी वीडियो में थोड़ा सा मुख्तलिफ ये होगा कि क्वेश्चन मेरा होगा, जवाब मसूद जिया साहब देंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी जो हालात हैं, जो पाकिस्तानी कौम की जिस गर्दाब में मगर में फंसी हुई है, जो भी शराब है, डेरे सिंह पूरे पाकिस्तान वालों को, बलोचिस्तान के भी कहाँ कहाँ का नाम भी कराची वालों को परेशान है, तो जो भी क्राइसिस है, तो उसमें पाकिस्तानी कौम के लिए जो है कोई मैसेज देंगे सर, ताकि उनकी उम्मीद जो है ख़त्म नहीं हो, पूरी उम्मीद रहे। इंशाल्लाह वो पूरी उम्मीद ही रहेंगे। न्यू टैलेंट को आगे आना चाहिए और हमारे डायरेक्टर्स जितने चैनल्स हैं उनको लेना चाहिए उनको, और अल्लाह ताला अपने पाकिस्तान को जो अमान में रखे। थैंक यू, शुक्रिया। सो व्यूज, आप मुझे अपनी कमेंट्स के जरिए बताएंगे कि कैसी लगा मेरा इंटरव्यू, कैसी रही मुलाकात मसूद जिया के साथ मेरे थ्रू, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे मैसेज को जो है मेरे जो है आगे पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन पे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है आपको मिले। और एक और बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कमेंट्स के ज़रिए जो जो मेरी वीडियो देख रहा है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए, और अगर कोई इंटरव्यू लेना है तो किस उसको होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल जो है आवाम के मुताबिक जो है मैं जैसे ट्रेंडी जो होते मैं लूँ, और मसूद जिया साहब जो है वो एकदम बिल्कुल मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ वो बिल्कुल गुमनामी में चले गए थे, गुमनामी में नहीं गए माशाल्लाह, और जज्बे और बलबले के साथ वापस आ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि ऐसे जितने भी पुराने जो अदाकारा हैं, जो हिदायतकार हैं, जो राइटर हैं, वो अगर टीवी से रिटायर हो गए तो प्राइवेट उसकी तरफ आएँ। अच्छा, लोग अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं, एक हजूम एक क्राउड है जो उनकी तरफ देख रहा है उम्मीद से। और बाकी ये कि हम इसके ज़रिए भी जो ड्रामों के ज़रिए भी और फिल्मों के ज़रिए भी पॉजिटिव जो है इमेज और पॉजिटिव जो है अप्रोच, पॉजिटिव जो मैसेजेस हैं वो कर आगे तक पहुँचा सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, एब्रॉड पाकिस्तान, एब्रॉड फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी जो है हम बहाल कर सकते हैं। तो मेरी आपके इंटरव्यू से अंदाजा हुआ कि मैंने पूरी जो है एनर्जी से इंटरव्यू किया, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है क्या नाम है इस चीज़ का वो इंटरेस्ट था कि वैसे ही ड्रामे बने जो जिस ज़माने में पीटीवी के जो खासा था कि लोग सर के सुखा में जो करती थी, मैं दोबारा चाहूँ कि ऐसे ही दोबारा से ड्रामे बने। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेरी बात। थैंक यू।